हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि मुंबई LTT से निकल के कोंकण रूट से गोवा होते हुए त्रिवेंद्रम तक जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन का नाम है नेत्रवती एक्सप्रेस। दोस्तों, ट्रेन नंबर 16345 नेत्रवती एक्सप्रेस ये रोज़ चलती है LTT और त्रिवेंद्रम के बीच में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस ट्रेन के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 16345 नेत्रवती एक्सप्रेस हफ्ते के सातों दिन लोकमान्य तिलक से त्रिवेंद्रम तक जाती है। ये ट्रेन रोज सुबह 11:40 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनल से निकलती है और आपको अगले दिन शाम को 6:05 पे त्रिवेंद्रम पहुंचा देती है। ये ट्रेन आपको 30:25 में त्रिवेंद्रम पहुंचा देती है। दोस्तों, नेत्रवती एक्सप्रेस LHB कोच के साथ चलती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 47 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, इस ट्रेन के हम कोच कॉम्पोजिशन के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में जनरल सिटिंग क्लास के 2 कोच हैं, वहीं पे स्लीपर कोच की बात करें तो इसमें 8 स्लीपर कोच हैं और 1 थर्ड AC इकोनॉमी का कोच है और 3rd AC का 6 कोच है इस ट्रेन में और 2nd AC का 2 कोच है। और इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा भी है, आप यात्रा के दौरान पेंट्री कार से खाना ऑर्डर करके खा सकते हैं और आप इस ट्रेन में आप ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करके अपने सीट पर खाना मंगा सकते हैं। दोस्तों, सुविधाओं की बात करें तो अगर आप AC कोचेस में ट्रैवल करते हैं तो इनमें आपको यात्रा के दौरान लिनन सर्विस मिलती है, जैसे कि कंबल, चादर, तकिया, पिल्लो, ये सब आपको यात्रा के दौरान मिलता है। ये ट्रेन LHB कोचेस के साथ चलती है तो इसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं यात्रियों को दी जाती है, जैसे कि हर कोच में आपको रीडिंग लाइट्स मिलता है जिससे कि आप यात्रा के दौरान बुक्स, न्यूज़पेपर आराम से पढ़ सकते हैं। मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट रहता है, एक मिरर दिया गया है, लार्ज विंडो है, विंडो पे कर्टन्स लगे रहते हैं और वहीं पे आप अगर 2nd AC में ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पे कर्टन्स लगे रहते हैं आपके कैबिन में और 3rd AC में कैबिन में कर्टन्स नहीं रहते हैं। इस ट्रेन के 3rd AC इकोनॉमी में आपको AC मिलेगा आपके सीट के साइड में, जिससे कि आप टेम्परेचर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के किराए के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आपको एंड टू एंड जर्नी करना है लोकमान्य तिलक से त्रिवेंद्रम का तो स्लीपर क्लास का इस ट्रेन का किराया है ₹710 और वहीं पे 3rd AC इकोनॉमी का किराया है ₹1775 और अगर आपको 3rd AC में जर्नी करना हो तो इसका किराया है ₹1880 और 2nd AC का किराया है ₹2735। आप इस ट्रेन का टिकट ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर टिकट विंडो काउंटर पर जाकर बुक कर सकते हैं। आप इस ट्रेन का टिकट तत्काल में भी बुक करके यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन से आप 1800 किलोमीटर की जर्नी 30:25 में कंप्लीट कर लेंगे। नॉर्मली देखें तो ऑफ सीजन्स में इस ट्रेन का टिकट आसानी से मिल जाता है, परंतु जब इस सीज़न का टाइम आता है तो उस टाइम भी इस ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका जब भी आप प्लान करें ट्रैवल करने को इस ट्रेन से तो एडवांस में टिकट बुक करके रखें। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के हम हॉल्ट्स के बारे में आपको बता देते हैं। ये ट्रेन रोज़ सुबह 11:40 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनल से निकलती है, उसके बाद ये ट्रेन थाने रुकती है 12:02 पे, फिर पनवेल 12:45 पे, फिर उसके बाद खेड़, चिपलून, रत्नागिरी शाम को 5:15 पे रुकती है, फिर कुडल, थिविम ये आपको रात को 9:08 पे पहुंचाएगी और यहाँ पे इसका 2 मिनट के हॉल्ट है, फिर करमाली, मडगांव ये रात को 10:40 पे पहुंचेगी और यहाँ पे ये 10 मिनट रुकेगी, फिर करवार, कुमता, मुंद्रेश्वर, उडुपी आपको रात के 2:30 पे पहुँचाए, फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप है मैंगलोर जंक्शन जो कि सुबह में 4:15 पे आता है और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट रुकती है, फिर ये सुबह 6:32 पे आपको कन्नौर उतारेगी, फिर उसके बाद आपको अगर कोझिकोड जाना है तो ये ट्रेन आपको सुबह 8:07 पे कोझिकोड में उतारेगी और ये यहाँ पे 3 मिनट के लिए सिर्फ रुकेगी, फिर इसके बाद थिरूर, कुट्टीपुरम, फिर ये ट्रेन आपको दोपहर के 12:30 एर्नाकुलम जंक्शन पे पहुंचाएगी, ये यहाँ पे
5 मिनट के लिए रुकेगी। फिर कोल्लम जंक्शन ये आपको शाम के 4:02 पे पहुंचाएगी और यहाँ पे ये 3 मिनट रुकेगी। उसके बाद ये ट्रेन आपको 6:05 पे त्रिवेंद्रम सेंट्रल पहुँचा। ये ट्रेन 1805 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 घंटे में कवर कर लेगी। दोस्तों, नेत्रवती एक्सप्रेस के हम रिटर्न जर्नी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 16346 नेत्रवती एक्सप्रेस हर रोज़ सुबह 9:15 पे त्रिवेंद्रम सेंट्रल से निकलती है और ये आपको अगले दिन शाम को 4:45 लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर आपको गोवा जाना हो या गोवा से रिटर्न आना हो तो उस टाइम पे भी आप ये ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के टोटल 43 स्टॉप है। दोस्तों, ये थी नेत्रवती एक्सप्रेस ट्रेन की पूरी जानकारी। आपने कभी इस ट्रेन में सफ़र किया है? अगर किया है तो इस ट्रेन का सफ़र कैसा रहा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, और आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।